बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सेकुलर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 16 के अंदर स्पोरम मूवमेंट के अंदर आज हम लोकोमोशन एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने लोकोमोशन इन फिशेज और डिफरेंट कैटेगरीज के एनिमल्स के अंदर लोकोमोशन स्टडी किया था। सो स्टार्टिंग फ्रॉम एम्फीबियंस, एम्फीबियंस जिसके अंदर आपको फ्रॉग की सबसे बेस्ट एग्जाम्पल नजर आती है, ठीक है, एम्फीबियंस फ्रॉग है, या फिर लीजर्स वगैरह आते हैं इसमें, लीजर्स या इस तरह की चीज़ें। सो एम्फीबियंस, एम्फीबियंस के अंदर दो किस्म की लोकोमोशन है। सबसे पहले हमने एम्फीबियंस के बारे में पढ़ना है। एम्फीबियंस मेनली कंसिस्ट ऑफ द टू टाइप ऑफ लोकोमोशन, दो किस्म की लोकोमोशन कर सकते हैं। एक तो इसके अंदर होता है कि ये रिगलिंग करते हैं, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत पिछला चैप्टर याद हो तो उसमें भी हमने रिगलिंग पढ़ी थी, लाइक जो फिशेज हैं वो वाटर के अंदर रिगल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे डबल जी आएगा, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक होगी, सही के जो फिशेज हैं वो वाटर के अंदर रिगल करती हैं, जबकि जो एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग हैं ये अमूमन जमीन के ऊपर रिगलिंग करते हैं, ठीक है। मसलन इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, लाइक ये सेलेमेंडर है, अब ये इसका क्या नाम है, सेलेमेंडर, सेलेमेंडर जो सा है ये रिगल करता है, इट रिगल्स ऑन लैंड, के यानी जिगजैग मूवमेंट। रिगल से क्या मुराद है कि इट एक्चुअली डू जिग जैग मूवमेंट, ठीक है, यानी बल खाते हुए गुजरेगा, जिस तरह सांप भी अक्सर बल खाते हुए गुजरता है, ठीक है। लेकिन वो रेप्टाइल्स की कैटेगरी के अंदर डालेंगे हम। सो फिलहाल जो हम कह लें कि एम्फीबियंस हैं, इनके अंदर दो कैटेगरीज हैं, एक वो जो रिगल करते हैं, और जो सेकंड कैटेगरी इसके अंदर इंक्लूड होगी दैट विल बी जंपिंग, ठीक है। ये जंपिंग जो है उनके लिए है जिनके पास हाइंड लिम्स आपको नजर आएंगे, ठीक है। जंपिंग जो है वो हाइंड लिम्स जिनके पास, यानी वो एम्फीबियंस जिनके अंदर हाइंड लिम्स होंगे। इसकी बेस्ट एग्जांपल फ्रॉग है, लाइक यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये फ्रॉग आपको नजर आ रहा होगा, सो दिस इज द फ्रॉग, और ये अपने हाइंड लिम के जरिए, ठीक है, ये इज हाइंड लिम, हाइंड लिम के जरिए ये जंपिंग कर रहा है, सही। सो ये दो इंपॉर्टेंट इनके लोकोमोटरी स्टाइल कह लेंगे, दो किस्म के लोकोमोटरी स्टाइल हैं। सो दो किस्म के हो गए, मसलन पहला क्या था, रिगलिंग मीन, इसको अगर हम दूसरा नाम दें तो इट विल बी स्विमिंग ऑन लैंड, कि जिस तरह मछली पानी के अंदर बल खाते हुए चलती है, इस तरह जो एम्फीबियंस हैं जमीन के ऊपर रिगल करते हैं, बल खाते हुए चलते हैं। दूसरा इनके अंदर जंपिंग है, यानी जिनके अंदर कह लें कि हाइंड लिम्स होंगी, हाइंड लिम्स जिसके पास स्ट्रांग हाइंड लिम्स होंगे उसके जरिए वो जंप कर सकेगा, सही, जिसके अंदर फ्रॉग की एग्जाम्पल है, सही। सो ये हो गया लोकोमोशन इन एम्फीबियंस। अब थोड़ा बहुत आपको जंपिंग का आइडिया होना चाहिए किसके अंदर, इनके दोनों हाइंड लिम्स यूज होती हैं, ठीक है, और स्ट्रांग किस्म के मसल्स होते हैं, ये दोनों इसकी हाइंड लिम्स हैं। हाइंड लिम्स से क्या मराद है कि ये पिछले वाले बाजू हैं, ठीक है, और इसकी मदद से वो यानी अपनी बॉडी को एकदम उछालता है और आगे आगे की तरफ बढ़ता है। सो ये लोकोमोशन फ्रॉग हो गया, या जंपिंग इन फ्रॉग कह सकते हैं, सही। उसके बाद हम लोकोमोशन रेप्टाइल्स पे आते हैं। सेकंड कैटेगरी क्या है हमारे पास, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में भी दो किस्म की कैटेगरीज में हम बनाएंगे, एक तो वो है कि जो अगेन रिगल करते हैं, दे रिगल ऑन लैंड, सही, कि वो रिकल करेंगे। अच्छा, रेप्टाइल्स में ये कि वाटर में भी रिकल कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है कि जो रेप्टाइल्स हैं, लाइक स्नेक की बात करेंगे हम, स्नेक तो जमीन पे भी रिकलिंग करता है, वाटर में भी कर सकता है। इसके अलावा कुछ पैडल होते हैं, देर आर सम पैडल रेप्टाइल्स, पैडल रेप्टाइल्स मतलब कि दे मूव ऑन लिम्स, कि वो अपनी लिम्स यानी अपनी टांगों के ऊपर मूव करेंगे। इसकी एग्जाम्पल में अब इसकी एग्जांपल वैसे थोड़ी सी पुरानी है, लाइक हमारे आजकल के दौर में नहीं पाए जाते, लाइक डायनासोर्स का आपने नाम सुना होगा, देयर आर डायनासोर्स। सो जो डायनासोर्स थे वो अपने पिछले बाजू के अंदर ऊपर चलते थे। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं हम रिगलिंग ऑन द लैंड, इसकी एग्जांपल यहाँ पे बनी हुई है, लाइक ये स्नेक है तो ये जमीन के ऊपर इस तरह यानी बल खाते हुए चलता है, ठीक है, अगर आपने कभी देखने का एक्सपीरियंस हुआ हो, ठीक है, तो ये जमीन के ऊपर संबल खाते हुए आगे की तरफ मूव करता है, और बाज का ये जंप भी लेता है। सो इनके अंदर क्योंकि इनकी जो कह लेंगे स्केलेटन होता है, ठीक है, जो स्नेक की एग्जांपल लेते हैं, स्नेक का जो स्केलेटन होता है ये मॉडिफाइड होता है बहुत ज्यादा, ठीक है,
अगर हम अपने स्केलेटन को इनके साथ कंपेयर करें तो इसके अंदर क्या होता है कि हमारे स्केलेटन में तो ये होता है कि आपकी रिब्स की 12 हड्डियां होती हैं, ठीक है, यानी 12 पेयर की शक्ल में होते हैं, लेकिन इसका थ्रू आउट यानी पूरे बॉडी के अंदर रिब्स की यानी सर्कुलर कह लें कि बोन्स होती हैं, जो इसको फिर उनके दरमियान जैसे मसल्स होते हैं वो इनको इस तरह मूव करवाते हैं तो वो रिगल कर सकें, ठीक है। यानी इसका स्केलेटन के अंदर बोन्स होती हैं, बोन्स भी कौन सी होती हैं, जो कि ओसिफाइड यानी बहुत सख्त किस्म की होती हैं, ठीक है, यानी ओसिफाइड बोन्स हैं जिसके जरिए से फिर उन बोन्स के दरमियान मसल्स होते हैं जो कि उनके अंदर रिगलिंग से क्रिएट करते हैं, ठीक है, या फिर और ये रिगलिंग इतनी फास्ट होती है कि स्नेक फिर रन भी कर सकते हैं, भाग भी सकता है, बहुत तेजी से चलता है। सो अगर मैं इसको थोड़ा बहुत बोन्स को और समझाने की कोशिश करूं, मसलन मैं स्नेक का स्ट्रक्चर बनाता हूं, लाइक हियर इज स्नेक, अब हंसिएगा मत, ठीक है, ये स्नेक है, तो इसमें इस तरह इसके ना रिब्स होती हैं, रिब्स से मुराद के जिस तरह हमारी सीने पे यानी छाती पे जो हड्डियां होती हैं, ठीक है, जो कि हमारा थोरेसिक रीजन बनाती हैं, ठीक है, अब हमने स्केलेटन के अंदर पढ़ा था। सो इस तरह इनकी रिब्स होती हैं और ये रिब्स आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं थ्रू वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, यानी ऊपर इसके वर्टिब्रल कॉलम होगा, ठीक है, और ये बीच में रिब्स हैं जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, तो इनके दरमियान जो से मसल्स होते हैं, भला आप कह लें कि मसल्स बिटवीन द रिब्स, रिब्स के दरमियान जो से मसल्स हैं, ठीक है, अब ये हर रिब्स के दरमियान इस तरह मसल्स होंगे, लाइक दिस 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 दिस। सो ये रिब्स के दरमियान मसल्स होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं और इसके नतीजे के अंदर एक किस्म की कह लें कि स्पीडी मूवमेंट जनरेट होती है, ठीक है, यानी फिर बॉडी एक किस्म की जमीन को पीछे की तरफ धकेलती है और आगे की तरफ मूव करती है, ठीक है, तो इससे आप रनिंग भी कह सकते हो, ठीक है, कि यानी रेप्टाइल्स आर अडॉप्टेड टू द रनिंग, ठीक है, कि उनकी ओ सॉरी के जो रेप्टाइल्स हैं दे आर अडॉप्टेड फॉर द रनिंग, के वो रन भी कर सकते हैं, इसके अलावा वो यानी ज्यादा तेजी से मूव कर सकते हैं, सही। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात जो शेयर करना चाहूंगा कि जो फर्स्ट टू रिब्स होती हैं, लाइक मैं इसे थोड़ा सा बोल करके बना दूं, लाइक ये और इस तरह ही किसके ऊपर रिब होगी जिसके, तो ये फर्स्ट टू रिब्स जो सी हैं जो कि इसके कह लें कि सर्विकल रीजन, सारा ये सर्विकल रीजन बनता है, ठीक है, हमारा तो अगर आपको थोड़ा बहुत वर्टिब्रल कॉलम का स्ट्रक्चर याद हो तो उसके अंदर थोरेसिक था, थोरेसिक के बाद नीचे लंबर रीजन था और फिर नीचे कॉक्सिक बोन्स और दूसरी बोन्स आई थी, उससे थोरेसिक से ऊपर सर्विकल रीजन था, तो इनका ये सारा सर्विकल रीजन, जिस तरह गर्दन है हमारी, गर्दन की जो जिस तरह रीढ़ की हड्डियां, उस तरह इनका ये सारा सर्विकल रीजन है, इनके अंदर कोई थोरेसिक वगैरह नहीं है, सही। सो इनके जो सर्विकल रिब्स हैं बहुत स्ट्रांग होती हैं, इनके दिमाग मसल्स बहुत एक्टिव होते हैं और इनके जो पहले दो सर्विकल सर्विकल होते हैं, ठीक है, वो उनको काफी ज्यादा मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, शुरू के जो सर्विकल, अब सर्विकल सर्विकल्स को मैं कह जा रहा हूँ, बेसिकली ये वर्टिब्रल कॉलम का पार्ट है, ठीक है, कि वर्टिब्रल कॉलम की पहली दो जो कह लें कि बोन्स होंगी, ठीक है, सर्विकल बोन्स कहने जो कि वर्टिब्रल कॉलम सबसे ऊपर पाए जाएंगी, इनके दो नाम होते हैं, एक एटलस है और दूसरा एक्सिस है, यानी एटलस और इससे पीछे जो सा एक्सिस है, ये इनके अंदर काफी फ्री रोटेशन होती है, ठीक है, कि डिग्री ऑफ रोटेशन इनके अंदर हाई होती है एक्सिस एटलस और एक्सिस के अंदर, जिसके जरिए से जो स्नेक है वो अपना कह लें कि जो चेहरे का रुख है वो बदल सकता है, ठीक है। सो ये फनी सी डायग्राम होगी जिसके जरिए आप स्नेक की लोकोमोशन को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। और फिर हमने दूसरी एग्जाम्पल कह ली थी पैडल, या इसे बाईपैडल रेप्टाइल्स भी कहते हैं, ये आपको डायग्राम नजर आ रहे हैं, ठीक है। इसमें तो यानी आपको टांग टांगों पे चलते हुए नजर आएंगे, इसे हम बाईपैडल कहेंगे, बाईपैडल रेप्टाइल्स, और बाईपैडल रेप्टाइल्स के साथ जो थी ना उनको बैलेंस करने के लिए यानी लॉन्ग टेल रिक्वायर्ड होती थी, लॉन्ग टेल इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस बॉडी वेट, के बॉडी वेट को बैलेंस करने के लिए लॉन्ग टेल रिक्वायर्ड होती है, IGST, ठीक है, के लॉन्ग टेल इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस बॉडी वेट, के बाईपैडल रेप्टाइल जो है जिस तरह डायनासोर वगैरह हैं उनको अपनी बॉडी वेट को बैलेंस करने के लिए एक लॉन्ग टेल पीछे रिक्वायर्ड होती थी, जो कि आपको नजर आ रही है, सही। और ये प्री हिस्टोरिक है, लाइक आजकल के दौर में नहीं पाए जाते, हमसे पहले सोचा जाता है, यानी सैंपल्स ऐसे मिले हैं हमें बोन्स के जिसके जरिए से हम ये सजेस्ट कर सकते हैं कि पहले डायनासोर्स थे, सही। सो आजकल ये एग्जिस्ट नहीं करते। सो ये लोकोमोशन हो गया इन रेप्टाइल्स।
अब हम चलते हैं लोकोमोशन इन बर्ड्स, ठीक है। ये आपको चिड़िया नजर आ रही है खूबसूरत सी, ठीक है। सो लोकोमोशन इन बर्ड्स, सो बर्ड्स बकाया ऑर्गेनिज्म से थोड़ा डिफरेंट है बिकॉज दे कैन फ्लाई। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, दे कैन फ्लाई इन एयर, सही। अब आप खुद सोचें कि फ्लाई करने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी। मसलन इफ समबडी हैज टू फ्लाई, सबसे पहले इसका क्या होना कि वो लाइट वेट हो, ठीक है। यानी जितना वजन कम होगा, जितना वो हल्का होगा, उतना ज्यादा वो फ्लाई कर पाएगा, यानी आराम से हवा में उड़ सकेगा, लाइट वेट होना चाहिए। उसके बाद उसके साथ विंग्स हों, यानी पर हों। जहरी बात, उड़ने के लिए कोई ना कोई आपको ऑर्गन चाहिए, तो जो बर्ड्स के अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन बनेगा वो विंग्स हैं, उसके जो पर है, सही। लाइट वेट होना जरूरी है, फिर उसके साथ विंग्स होना चाहिए, फिर और क्या इसमें चीजें। इसके अंदर एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि जो विंग्स के साथ जो मसल्स होते हैं, ठीक है, जिसे हम पेक्टोरल मसल्स कहते हैं, पेक्टोरल मसल्स, यानी जो के विंग्स को, यानी हमारे जो बाजू हैं, ठीक है, सामने वाले बाजू, उनके साथ जिसका कनेक्शन है हमारे चेस्ट के साथ जो मसल्स हैं, उन्हें पेक्टोरल मसल्स कहते हैं। और इनके जो पेक्टोरल मसल्स होते हैं दे आर वेरी स्ट्रांग, ठीक है। कि अगर आप खुद सोचें ना कि हम उड़ सकते हैं हवा में, तो हमारा एक तो ना ही हमारे साथ विंग्स हैं, दूसरा ना ही हमारे इतने पेक्टोरल मसल स्ट्रांग है कि हम अपने आप को हवा के अंदर बैलेंस कर सकें। सो इसके अंदर क्या तीन चीजें होती हैं, एक तो इनका लाइट वेट होता है, विंग्स होते हैं और पेक्टोरल मसल्स। अब उसके बाद लाइट वेट क्यों होते हैं, कि इनकी जो बोन्स होती हैं, ठीक है, कि यानी जो स्केलेटन होता है बोन्स, जो बर्ड्स का स्केलेटन है बोन्स, ये अंदर से खोखली होती हैं, ठीक है। बोन्स आर एम्प्टी इनसाइड, ठीक है। हमारी तो बहुत भारी भारी हड्डियां होती हैं, यानी उसके अंदर भी कैल्शियम घुसा होता है, लेकिन जो बर्ड्स वगैरह हैं इनकी बोन्स अंदर से एम्प्टी होते हैं, यानी खोखली होती है अंदर से। या दूसरे लफ्जों में कहना चाहिए कि इनके बोन्स के अंदर लार्ज स्पेसिस होते हैं, ठीक है, लार्ज स्पेसिस इन बोन्स के अंदर लार्ज स्पेसिस हैं, कि खला होती है बीच में, जिसकी वजह से ये लाइट वेट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद विंग्स हैं। अच्छा, विंग्स के साथ एक और चीज अटैच होती है, फीदर्स, ठीक है, फीदर्स, फीदर्स। सो विंग्स प्लस फीदर्स, फीदर्स एक तो कह लें कि यानी फ्लाई करने में मदद देते हैं, ठीक है, यानी विंग्स प्लस फीदर दोनों मिलके जो है दे हेल्प इन टू फ्लाई, यानी इसलिए से मैं इधर ले लेता हूँ, दे हेल्प टू फ्लाई, यानी अगर सिर्फ बोन्स हो तो बोन्स से तो हवा नहीं रुकती ना, तो फीदर साथ होते हैं जो कि हवा को पुश या कह लें कि उस किस्म का यानी जो फ्लाइंग कंडीशन होती है वो जनरेट करते हैं, ठीक है। विंग्स प्लस फीदर हेल्प्स टू फ्लाई। और इसके अलावा इनका एक और फंक्शन होता है कि जो फीदर्स हैं दे वार्म कीप बॉडी वार्म और ब्लड सॉरी अब इसमें आपको ये भी आइडिया होना चाहिए कि लाइक जो इससे पहले हमने चीजें पढ़ी हैं, मसलन रेप्टाइल्स हो गए, ठीक है, रेप्टाइल्स हो गए और फिर एम्फीबियंस जो हो गए, दे आर कूल ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है, जबकि जो बर्ड्स हैं ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ठीक है, कि इन्हें अपना टेम्परेचर बैलेंस करना पड़ता है, उसके लिए इनके पास फीदर्स होते हैं जिसके जरिए अपने आप को यानी अपना टेम्परेचर मेंटेन रख सकते हैं। और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि उनके पेक्टोरल मसल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। पेक्टोरल मसल्स यानी जो अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ जो इनके विंग्स को बॉडी के साथ जोड़ते हैं, सो पेक्टोरल मसल्स प्रेजेंट हेयर, ठीक है, रेड साइन बना देता हूँ, ठीक है, जिसने विंग्स को इनकी बॉडी के साथ जोड़ा हुआ है इसे आप पेक्टोरल मसल्स कहोगे। क्योंकि बर्ड्स ने फ्लैपिंग करनी होती है, वो हवा में पर मारते हैं, पर मारने के लिए उनके पास जो मसल्स हैं जिन जिसके जरिए फीदर्स या विंग्स अटैच हैं वो स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। सो इनके पेक्टोरल मसल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। और ये जो सारा यानी आगे गर्डल बनता है, यानी कनेक्शन ऑफ बोन्स बनेगा, इसे पेक्टोरल गर्डल कहते हैं, ठीक है। और फिर एक कील का लफज आता है, कील जो सा है ना ये एक मॉडिफाइड स्टर्नम होती है। अब आपको थोड़ा बहुत याद होना चाहिए कि मसलन हमने ह्यूमन स्केलेटन पढ़ा था, उसके अंदर इस तरह ये सामने रिब्स थी, ठीक है, 12 पेयर की शक्ल में। अब ये मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए इसका कि और बीच के अंदर जो सा था ना वो स्टर्नम थी, सेंट्रल बोन जो सी थी वो स्टर्नम थी, नहीं ये रिब्स थी, लाइक दीज आर रिब्स, और ये बीच में स्टर्नम थी।
ठीक है, तो इनका जो स्टर्नम होती है ये मॉडिफाइड होती है, ठीक है, दिस स्टर्नम, सॉरी यहाँ पे रेड कलर का बना हुआ, ये स्टर्नम जो से मॉडिफाइड होती है इसे हम कील कहते हैं, ठीक है, बर्ड्स के केस के अंदर इट इज नोन एज कील। और पेक्टोरल मसल जो बेसिकली अटैच होते हैं वो इसी कील के साथ अटैच होते हैं, सही, और इनकी अटैचमेंट भी स्ट्रांग होती है और इनकी वर्किंग भी फास्ट होती है और काफी स्ट्रांग होती है, सही। सो ये कील भी इनकी एक अडाप्टेशन जिसके लिए ये पेक्टोरल मसल अटैच हैं और फिर वो फ्लाइंग के अंदर या फ्लैपिंग के अंदर हेल्प करते हैं, सही। और ये तो तीन मेन चीजें हो गई। इसके बाद हम आते हैं बर्ड्स फ्लाइट के अंदर, वो फ्लाइट करता किस तरह है, सही। अब जो इसके फ्लाइट के प्रिंसिपल हैं समझाने के लिए हमें फिजिक्स में जाना पड़ेगा। मे बी आपको फर्स्ट ईयर फिजिक्स फ्लूइड डायनेमिक्स के टर्म याद हो अगर, तो उसमें हमने बर्नौलीज इक्वेशन पढ़ी थी। बर्नौलीज इक्वेशन में हम प्रेशर और वेलोसिटी का रिलेशन निकालते हैं। सो बेसिकली क्या होता है कि जब बर्ड मूव करता है, सही, तो ये अब एयर आ रही है, लाइक ये एयर है, ये एयर है, ये तो जो विंग के ऊपर वाली साइड है यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होती है और उसके रिजल्ट के अंदर प्रेशर कम होता है, सही। जो जबकि नीचे वाली जो साइड है यहाँ पे वेलोसिटी कम होती है और प्रेशर ज्यादा होता है। अब जब प्रेशर नीचे वाली साइड पे ज्यादा होगा तो खुद ब खुद इसे लिफ्ट मिलती है, अपवर्ड लिफ्ट। सो यहाँ पे कौन सी इक्वेशन अप्लाई हो रही है, बड़ी मशहूर, ध्यान में रखनी है आपने, बर्नौलीज इक्वेशन। में भी आपने ये फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर पढ़ी हो, फ्लू डायनेमिक्स का चैप्टर होता था, बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई होती है, सही। ये फ्लाइट की एग्जाम्पल है, यानी जब कह लें कि हवा के नीचे से हवा का प्रेशर कम, सॉरी, ज्यादा होगा, ऊपर प्रेशर कम होगा तो खुद खुद जो परिंदा वो ऊपर की तरफ उड़ेगा। और इसी बर्नौलीज इक्वेशन के ऊपर हमारे जो प्लान्स यानी हवाई जहाज वगैरह वो भी एक्ट करते हैं। अच्छा, फ्लाइट में इसके दो टाइप्स आती है, ठीक है, यानी फ्लाइट्स कैन बी ऑफ, वन इज एक्टिव फ्लाइट, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज पैसिव फ्लाइट, ठीक है। एक्टिव फ्लाइट के अंदर क्या करना पड़ता है, एक्टिव फ्लाइट के अंदर हमें कह लें कि एक्टिव फ्लाइट के अंदर ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, एनर्जी प्लस फ्लैपिंग ऑफ विंग्स, कि जो परिंदा है वो अपने परों को बहुत जोर जोर से मारता है हवा में, ठीक है, आवाज भी आती है। कभी आपने कबूतर उड़ते देखा हो तो उसमें जो शुरू वाली स्टेज होती है यानी जब वो कह लेंगे छत से या जमीन से ऊपर की तरफ उड़ता है तो परों को बहुत जोर जोर से हवा में मारता है, उसके जरिए जोर हवा साउंड भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो फ्लैपिंग ऑफ विंग एक्टिव फ्लाइट में चाहिए होती है, यानी इसकी ये एग्जाम्पल है, ठीक है। अब ये जो से है दिस इज एक्टिव फ्लाइट, ठीक है, कबूतर है ये, पिजन, ये अपने परों को, विंग्स को जोर जोर से हवा में मार रहा है, दिस इज एक्टिव फ्लाइट, और इसके अंदर काफी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, सही। और इसके अंदर ये फ्लैपिंग ऑफ विंग्स आ जाएगा। जबकि दूसरी जो किस्म, दैट इज पैसिव फ्लाइट, पैसिव फ्लाइट के अंदर हमें, या सॉरी, हमें क्या गया, बर्ड्स बर्ड्स को फ्लैपिंग की जरूरत नहीं होती, बल्कि वो अपने जो विंग्स हैं इनको एरोफाइल्स, एक वर्ड यूज होता है एरो फाइल्स, सॉरी, एरोफाइल्स की शक्ल में यूज करता है, यानी एरोफाइल्स जिस तरह आपके कह लेंगे प्लेन के विंग होते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर जहाज बनाओ, ठीक, सो फनी फनी सी डायग्राम बना रहा हूँ मैं, सही। सो ये जो विंग्स हैं दे आर एरोफाइल्स, यानी जब भी इसके ऊपर से, यानी जब ये हवा में से गुजरता है तो खूब खूब एक अपलिफ्ट मिलती है, यानी जिसके जरिए से जो जो भी चीज़ है लाइक जहाज हो या फिर बर्ड्स हो, इनको नीचे से प्रेशर मिलता है और ये हवा के अंदर फ्लाई कर पाते हैं। सो एरोफाइल्स के तौर पर इनके विंग्स एक्ट करते हैं, उनके अंदर इसमें ग्लाइडिंग होती है, सिंपल के ग्लाइडिंग से क्या मतलब है कि नो यूज ऑफ एनर्जी के, उस तरह जो फ्लैपिंग में जिस तरह एनर्जी चाहिए होती है उस किस्म की एनर्जी नहीं होती, बस वो अपने परों को खोल के रखते हैं और उसके जरिए वो जस्ट यानी ग्लाइड करते रहते हैं हवा के अंदर, सही। तो ये जो ग्लाइडिंग थी, इसमें अगेन मैं आपको बता रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके अंदर बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई होती है, ठीक है, जिसके जरिए कह लें कि प्रेशर और वेलोसिटी का रिलेशन होता है, कि जो नीचे वाली साइड होती है यहाँ पे वेलोसिटी कम होती है एयर की, ऊपर वाली साइड पे वेलोसिटी ज्यादा होती है, और इसके से नीचे से इसे प्रेशर मिलता है, अपलिफ्ट मिलती है, दोनों साइड पर मिलेगी। सो ये ग्लाइडिंग होती है इसकी एयर के अंदर। सो ये हो गया आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हमने लोकोमोशन इन बर्ड्स पढ़ा, फिर रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस स्टडी किया। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम लोकोमोशन इन मैमल्स और फिर एवोल्यूशनरी चेंजेस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।